بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, as you remember, yesterday we did questions and answers, and today we are moving on to the next question, which is make meaningful sentences of given words. So for that you will have to open your neat copies and you should have your pencil, eraser and scale ready with you. After writing date, CW and subject, write unit number 2. The question is make sentences. The first word is share. We should learn to share. शेयर बांटने को कहते हैं, ठीक है. हमें चीज़ें मिल बांट कर यूज़ करने की आदत डालनी चाहिए, या हमें ये सीखना चाहिए कि चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है. हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप ये स्मॉल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर आपको डबल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप सिंगल भी करेंगे, लेकिन छोटी हो, मतलब फुल लेंथ ना हो. यहाँ से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिनिशिंग लाइन हम क्वेश्चन के कंप्लीट होने पर ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है फैमिली. आई बिलोंग टू अ नोबल फैमिली. मैं एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ. आई बिलोंग टू अ नोबल फैमिली. मैं एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉमिस. वी शुड ऑलवेज कीप प्रॉमिस. हमें हमेशा अपना वादा पूरा करना चाहिए. कीप प्रॉमिस का मतलब है वादा पूरा करना. वी शुड ऑलवेज कीप प्रॉमिस या कीप आवर प्रॉमिस, दोनों तरह से ठीक है. The next word that we have here is decide. We should decide soon. हमें जल्दी फैसला करना चाहिए. We should decide soon. Okay, the next word is values. Values. Always respect your family values. Always respect your family values. हमेशा अपने ख़ानदानी इकदार के का एहतराम करें, ठीक है. ख़ानदानी इकदार में यही शामिल है कि आप मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो जाएं, एक दूसरे के गम में एक दूसरे का साथ दें. इसको ख़ानदानी इकदार कहते हैं. बड़ों का अदब करना, छोटों से शफ़क़त से पेश आना, ये ख़ानदानी इकदार हैं, ठीक है. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो हम बुक में करेंगे. सो फॉर दैट पर्पज़ यू विल हैव टू ओपन योर बुक्स. ओके, दिस इज़ पेज 14 ऑफ योर बुक. 14. ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3. रीड द लेसन एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. Read the lesson and complete these sentences. The first sentence is, the elder son was a dash help to his father. The elder son was a great help to his father. He sold his dash and went away. He sold his share and went away. Share बांटने को भी कहते हैं, मिलकर
खाने या मिलकर इस्तेमाल करने को शेयरिंग कहते हैं। और दूसरा जिसका मीनिंग है वो है हिस्सा, अपना हिस्सा उसने बेच दिया और चला गया। जायदाद में जो उसे अपना हिस्सा मिला था, ही सोल्ड दैट शेयर एंड वेंट अवे, उसने अपना वो हिस्सा बेच दिया और चला गया। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द यंगर सन डैश हिज फादर टू वर्क हार्ड। द यंगर सन डैश हिज फादर टू वर्क हार्ड। He learned to respect his family and elders. He learned to respect his family and elders. ओके जी, आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपने वर्ड सेंटेंसेस अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं और ये ब्लैंक्स अपने बुक में पेज नंबर 14 पर करने हैं। दोनों में आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जहाँ स्मॉल फिनिशिंग लाइन की ज़रूरत है वहाँ स्मॉल फिनिशिंग लाइन, जहाँ फुल फिनिशिंग लाइन की ज़रूरत है वहाँ फुल फिनिशिंग लाइन। ओके देन, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما